गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपकी फोर्थ क्लास की साइंस में हम करेंगे लेसन वन जो हमने पढ़ा था, ग्रीन प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर। उसके क्वेश्चन आंसर हमने नहीं किए थे ना, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या होती है? जो कि पौधों में हरे रंग का जो कलर होता है उसको क्या करते हैं, उसको क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि पेड़ की पत्तियों में पाया जाता है। और ये क्या करता है, सूरज जो है उसके साथ, सूरज की धूप और जो है पानी के साथ मिलकर क्या बनाता है, पौधे के लिए भोजन तैयार करता है ना। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ लीफ? लीफ क्या काम करती है? लीफ क्या करती है, वो जो है पौधे के लिए भोजन का बनाने का काम करती है। किस तरह? क्लोरोफिल का यूज करके सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाती है, भोजन तैयार करती है पौधे के लिए, ठीक है ना। और उसको फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है पौधे की। उसके बाद क्या करती है, सांस लेने का काम। स्टोमेटा होते हैं ना, लीव्स के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो क्या करते हैं पौधे के लिए, सांस लेने का काम, ब्रीदिंग का काम करते हैं। और कुछ जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं, खाना जो है वो अपने अंदर स्टोर करके रखती है, ठीक है, पौधे के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन टू द फूड प्रिपेयर्ड बाय अ लीफ? जो लीफ है वो पौधे के लिए जो भोजन बनाती है उसको वो क्या करती है, तो क्या करती है, फूड प्रिपेयर्ड बाय अ प्लांट इज कॉल्ड शुगर। जो भोजन बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। और ये ट्रांसफर किस में हो जाता है, यहाँ से जो जो लीव्स बनाती हैं भोजन, वो कहाँ कहाँ पहुँचाती है, उसकी स्टेम्स तक, ब्रांचेस तक पहुँचाती है भोजन। और उसके बाद जो अमाउंट बच जाती है उसको वो क्या करती है, उसको वो स्टोर कर लेती है। कहाँ पर? फ्रूट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में और रूट्स में, जिससे कि जब भोजन की कमी हो तो ये जो स्टोर किया हुआ भोजन है वो उसके काम आए। जब प्रॉपर सनलाइट ना मिले या तो पौधे को, या पानी ना मिले, तो उस टाइम पे पौधा क्या करेगा? आपने देखा है उस टाइम पे भी कई बार पौधे कई दिनों तक जो है बिल्कुल ग्रीन रहते हैं, पर जब ज्यादा लंबा समय हो जाता है तो उसके अंदर जो स्टोर किया हुआ फूड होता है ना वो सारा खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो है पौधा मुरझा जाता है। तो पौधों की लीफ क्या करती है, जो भोजन यूज हो जाता है उसको तो वो चले गए, जो बाकी रह गया उसको स्टोर करके रखती है, ठीक है। राइट, व्हाट हैपन इन द फॉलोइंग केस? इन केसेस में क्या होगा, इफ यू पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन अ पोटैटो स्लाइस। जब आप पोटैटो की स्लाइस पर कुछ आयोडीन की बूंदों को डालोगे तो क्या होगा, उनका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू और ब्लैक कलर डेवलप होगा उसमें से, ठीक है। इफ यू पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन अ फ्रेश ग्रीन लीफ, तो उसके टाइम पर क्या होगा, तो लीफ जो है वो ब्लू और ब्लैक कलर शो करेगी। किस वजह से? क्योंकि उसमें स्टार्च होता है, इस वजह से। और ब्लू और ब्लैक कलर जो पोटैटो में शो होगा वो भी क्यों होगा, क्योंकि उसमें भी स्टार्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के एग्जाम्पल देने हैं कौन से, हैविंग वेरिजेटेड लीव्स, ठीक है। वेरिजेटेड मतलब जिसमें दो कलर्स होते हैं, कुछ ग्रीन भी होता है, ग्रीन प्रॉपर ग्रीन नहीं होता, ग्रीन भी होता है और येलो भी होता है। तो मनी प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स, ये हमने देखे थे ना अपने को जब मैंने लेसन करवाया था। अब लैकिंग क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जिसमें नहीं होता, वो कौन कौन से होते हैं, मशरूम और मोल्ड्स, ऐसे जो हैं प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, मशरूम एंड मोल्ड्स। अब क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर जो है निर्भर हैं, आपको पता है पौधे क्या करते हैं, एनिमल्स के लिए भोजन तैयार करते हैं ना, और उनको शेल्टर भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, और इसके बदले में जो एनिमल्स हैं वो क्या देते हैं प्लांट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके साथ जो है प्रोसेस करके जो
वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या बनाते हैं अपने लिए, भोजन बनाते हैं और एयर को प्यूरिफाई करते हैं। और कौन सी गैस को देते हैं एनिमल्स को? ऑक्सीजन गैस को देते हैं। और पौधे क्या करते हैं, अपना ऑक्सीजन भी देते हैं और उसके साथ ही एनिमल्स और क्या करते हैं भोजन प्लांट्स के लिए, वो उनकी सीड्स को, जो उनकी सीड्स होती हैं उनको स्प्रेड कर देते हैं जानते हुए और अनजाने में। जब वो प्लांट्स को खाते हैं या उसके कोई फ्रूट्स को खाते हैं तो क्या करते हैं, जो उसके अंदर सीड्स होती हैं वो इधर उधर फैल जाती हैं। और उससे क्या होता है, सीड्स जब मिट्टी में जाती हैं तो वो क्या करती हैं, नए पौधे को जन्म देती हैं। ये हमने लेसन में भी किया था ना, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे और लर्न भी करोगे। थैंक यू।